हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 17 दिसंबर 2023 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2024 को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल की सभी टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो वीडियो हमेशा की तरह काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज के दिन की। सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम की साइड से, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम के हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने के बाद एमआई की टीम के फैंस हमें सोशल मीडिया के ऊपर लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इंस्टाग्राम के ऊपर अभी तक मुंबई इंडियंस की टीम 5 लाख से भी ज्यादा फैंस को गवा चुकी है। इसके साथ ही ट्विटर के ऊपर भी मुंबई इंडियंस की टीम करीब 5 से 6 लाख फॉलोअर्स को गवा चुकी है, जिसका मतलब है करीब 12 लाख फैंस मुंबई इंडियंस की टीम को छोड़कर अब दूसरी आईपीएल टीमों को सपोर्ट करने लगे हैं। इसके साथ ही काफी सारे ऐसे भी मुंबई इंडियंस के फैंस हैं जो कि एमआई की जर्सीज और एमआई के फ्लैग्स को जलाते हुए भी हमें नजर आ रहे हैं। इन सब की क्लिप्स हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी है, तो आप लोग वहां पर जाकर इन सारी क्लिप्स को चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट, और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है रोहित शर्मा की ट्रेड के रिगार्डिंग। हम सभी लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा के होने के बावजूद मुंबई इंडियंस की जो टीम है उन्होंने हार्दिक को कप्तान बनाया था, और अब इसी रीजन के चलते हुए 2 आईपीएल टीमों की साइड से ऑलरेडी रोहित शर्मा को ऑफर जा चुका है, जहां पर ये दोनों ही टीमें हैं पीवीकेएस और राजस्थान रॉयल्स की, जहां पर पंजाब और राजस्थान दोनों ही टीमें चाहती हैं कि रोहित शर्मा उनकी टीम में आ जाए और उनकी टीम की कैप्टनसी कर लें। हालांकि रोहित शर्मा अभी तो मुंबई इंडियंस की टीम में ही मौजूद हैं, तो ये कॉल पूरी तरीके से रोहित शर्मा के ऊपर है कि क्या वो इस टीम को छोड़कर अब किसी और आईपीएल टीम से खेलेंगे, क्योंकि रोहित के लिए भी ये लॉयल्टी वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने रोहित के साथ बिहेव किया है, हो सकता है हमें ट्रेड की अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल जाए। जैसे ये ट्रेड होती है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां पर 19 तारीख को जिस दिन आईपीएल की नीलामी होनी है उस दिन हम आपके लिए बहुत बड़े गिव अवे के विनर्स को अनाउंस करेंगे, जहां पर 10 की 10 आईपीएल टीमों की जर्सीज, क्रिकेट किट्स और क्रिकेट बैट्स आप लोगों को फ्री में गिफ्ट किए जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। तो आप लोग फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 की नीलामी की टाइमिंग के रिगार्डिंग, जहां पर आईपीएल के ऑप्शन की टाइमिंग में अब हमें चेंज होता हुआ देखने को मिला है। जहां पर आईपीएल की नीलामी जो कि हमें दिन में 2 या फिर 2:30 बजे से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलती थी, अब बीसीसीआई ने इसकी टाइमिंग को चेंज करके 1 कर दिया है, यानी कि दिन में 1 बजे से हम सभी लोगों को 19 तारीख को आईपीएल की नीलामी देखने को मिलने वाली है। तो खैर आईपीएल की नीलामी को हम लोग लाइव अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दिखाएंगे, तो इसको आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है कैमरन ग्रीन की साइड से, जहां पर हमने आपको बताया था कि कैमरन ग्रीन एक क्रॉनिक किडनी डिसीज से जूझ रहे हैं, जिसके वो स्टेज 2 में चल रहे हैं। हालांकि कैमरन ग्रीन के स्टेटमेंट के बाद आरसीबी के फैंस काफी ज्यादा चिंता में आ गए थे कि क्या ग्रीन हमें इस साल आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। तो इसकी क्लैरिफिकेशन देते हुए कैमरन ग्रीन ने बताया है कि उनको जो किडनी का क्रॉनिक डिसीज है उसका स्टेज 2 है, और पिछले काफी टाइम से स्टेज 2 पर ही रुके हुए हैं। इनके हिसाब से इसकी टोटल 5 स्टेजेस होती हैं और 5वीं स्टेज सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन क्योंकि अभी भी ये स्टेज 2 पर ही है तो ऐसे में इसके हिसाब से क्रिकेट हमें अभी भी कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे, यानी कि इस साल के आईपीएल में भी कैमरन ग्रीन आप लोगों को पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है हार्दिक पांड्या की। फाइनली पूरी की पूरी स्टोरी रिवील हो चुकी है कि क्यों और किस रीजन के चलते हुए आखिर मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को रोहित शर्मा की जगह नया कैप्टन अपॉइंट किया। तो सबसे पहले इस स्टोरी को जानने के लिए आपको थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप के पहले से ही लगातार मुंबई इंडियंस की टीम हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में ट्रेड करना चाहती थी। हालांकि हार्दिक पांड्या इस ट्रेड को लगातार मना कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या ने एमआई की टीम में ट्रेड होने के लिए उनसे एक कंडीशन भी रखी, जहां पर हार्दिक ने क्लियर कर दिया कि क्योंकि जीटी की टीम में वो कैप्टन है और जीटी की टीम में कैप्टन के तौर पर 2 साल उन्होंने काफी कमाल की कैप्टनसी की है, तो अगर एमआई की टीम उनको ट्रेड करना चाहती है तो फिर हार्दिक पांड्या चाहते थे कि मुंबई इंडियंस उनको कैप्टन बनाए। अगर वो इनको कैप्टन नहीं बनाती है तो हार्दिक ट्रेड नहीं होंगे, जिसके चलते मुंबई इंडियंस ने इनको ट्रेड कर लिया। और रोहित शर्मा से उन्होंने पूछा कि क्या हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के अंडर वो खेलने के लिए तैयार है, तो रोहित ने भी इसके लिए हां कर दी, जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की टीम के कैप्टन बनाए गए। तो एक तरीके से हार्दिक पांड्या ने पावर की डिमांड की थी, जिसके आगे मुंबई इंडियंस की टीम झुक गई। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की साइड से, जहां पर एलएससी की साइड से अपडेट निकल कर आ रही है इनके ट्रायल कैंप के रिगार्डिंग, जहां पर आरसीबी की टीम के बाद अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने भी आईपीएल 2024 के लिए अपने ट्रायल कैंप को लगाना स्टार्ट कर दिया है। इस ट्रायल कैंप में एलएससी की टीम में आप लोगों को काफी सारे युवा भारतीय प्लेयर्स इस ट्रायल कैंप का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे, और जिन भी प्लेयर्स के ऊपर एलएससी इंटरेस्टेड है
जिनके ऊपर ये ऑक्शन में बिटिंग करना चाहते हैं उन सभी प्लेयर्स के ऊपर LSG यहाँ पर इस जो ट्रायल कैंप है उसमें उनको अच्छे तरीके से जांच सकती है। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है दो IPL टीमों की नई जर्सीज के रिगार्डिंग, जहां पर SRH और उनके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने कंफर्म कर दिया है कि IPL 2024 के लिए दोनों ही टीमें अपनी अपनी नई जर्सीज को लॉन्च करेंगी। RCB तो ऑलमोस्ट हर साल ही हमें अपनी जर्सी में कोई ना कोई चेंजेस करते हुए नजर आती है और अब SRH ने भी बताया है कि क्योंकि पिछले काफी टाइम से ये अपनी जो जर्सी है उसको ऑलमोस्ट सेम ही रखे हुए हैं, तो ऐसे में फाइनली ये वो साल होने वाला है जहां पर SRH की टीम भी हमें एक नई जर्सी को अपने IPL 2024 कैंपेन के लिए यूज करते हुए नजर आएगी। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है T20 वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग, जहां पर अब ये बात कंफर्म कर दी गई है स्पोर्ट्स तक के द्वारा कि T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या भारत की टीम के कप्तान होंगे और रोहित शर्मा आप लोगों को हार्दिक पांड्या के अंडर एज अ प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे। बल्कि ये भी हो सकता है कि रोहित के लास्ट के दो T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए उनको टीम में भी जगह ना दी जाए। तो गाइस ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।